हेलो व्यूवर्स, मैं विपिन तिवारी यात्रा फॉर यू चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको गुजरात के कृपालु जी मंदिर की यात्रा पर ले जा रहा हूं। स्वामी कृपालवनंद जी, बापू जी और कृपालु महाराज जी के नाम से जाने जाते थे, जिन्होंने 29 दिसंबर 1981 में महासमाधि ली थी। कृपालु आश्रम या कृपालु मंदिर एक गांव है मलाव गुजरात में, जो गोधरा से 23 किलोमीटर की दूरी पर है और बड़ौदा से 58 किलोमीटर की दूरी पर है और गांधीनगर से 135 किलोमीटर की दूरी पर है। यह आश्रम और मंदिर बहुत ही शांत और सौम्य वातावरण में निर्मित है और बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। और कृपालु योग फाउंडेशन एक आध्यात्मिक फाउंडेशन है, जिसका विशेष रूप से धार्मिक, शैक्षिक और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए आयोजन किया गया है, ताकि सिद्धांतों और शिक्षाओं और योग के तरीकों को आगे बढ़ाया जा सके। ज्ञान, भक्ति, कर्म, हठ, राजयोग के माध्यम से अभ्यास किया जाने वाला शक्तिपाठ कुंडलनी योग का मार्ग महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग पर आधारित है और सनातन धर्म की हिंदू वैदिक परंपरा का पालन करता है, जो जीवन को सही तरीके से जीने का एक तरीका और एक प्रणाली है। यहाँ की पॉजिटिव एनर्जीज, यहाँ का वातावरण हमें बहुत सहायता करता है हमारे योग, ध्यान और हमारे कर्म कांड, पूजा पाठ इत्यादि में। यहाँ पर अभी हम 24 तारीख को पूजा कर रहे हैं, कल दूसरी जगह पर हवन होगा। स्टॉप कर दूं? यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत है तथा यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस और पॉजिटिव एनर्जीज हैं, इसलिए यहाँ पर बैठते ही, सोते ही मन एकदम शांत हो जाता है और हम ध्यान में लीन होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ की पॉजिटिव एनर्जीज, यहाँ का वातावरण हमें बहुत सहायता करता है हमारे योग, ध्यान और हमारे कर्म कांड, पूजा पाठ इत्यादि में। यह आश्रम के अंदर ही कैंटीन है, जहाँ पर नाश्ता, लंच और डिनर की व्यवस्था है। बहुत ही शांत और शहर की शोरगुल से दूर एक शांत आदर्श जगह। ये
रहने के लिए रूम्स, साफ सुथरे। यहाँ पर पूजा भी बहुत विधि विधान से और हमारे शास्त्रानुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ की जाती है। ये मंदिर के अंदर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर हवन इत्यादि का कार्य संपन्न होता है। यहाँ पर बहुत बड़ा हवन कुंड है, यहाँ पर हवन किया जाता है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट एंड शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।